वेलकम है आप सबको मेरे चैनल बिथिका ब्लॉग्स में। तो चलिए अभी हम जाते हैं बिष्णुपुर की ओर और बांकुड़ा टू बिष्णुपुर जाने के टाइम ये रास्ता जो है, और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन रास्ता है। और अभी हम सब मिलके अभी जा रहे हैं हम बिष्णुपुर, और बिष्णुपुर में चलिए हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या होता है। और बिष्णुपुर जाते वक्त हमारे साथ था मेरा भाई जो कि ड्राइव कर रहा है, और ये है मेरा ब्रदर, ये है मेरा वन एंड ओनली ब्रदर मंतोष चैटर्जी, और साथ में ये देखिए मैं और मेरी बेटी, और इधर है विनायक, और ये है टिया। तो हम सब मिल के अभी जा रहे हैं, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी लेने की कोशिश की ये हम जब जा रहे थे तब, और उसके बाद फिर हम सुबह सुबह निकल गए थे, बिल्कुल सुबह सुबह। और जैसे कि आप जानते हैं बिष्णुपुर एक बहुत ही अच्छा देखने के लिए बहुत ही एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ हम जल्दी जल्दी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। और ये बच्चों को दिखाना था बिष्णुपुर, तो इसलिए हम जा रहे थे, और मेरे भाई के साथ में साइड में जो सीट था उसमें मेरे भाई के वाइफ थे, तो सबको बहुत ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाई, ये देखिए। और यहाँ पे मेरा भाई जो है ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए बिष्णुपुर, और थोड़ी देर में तो देखिए अभी हम आ गए बिष्णुपुर, और ये है मेरे जो देवरानी हैं उसके भाई, बड़े भाई, तो हमारे भी बड़े भाई लगते हैं, तो जो बिष्णुपुर में ही रहते हैं, तो वही आए थे भैया हमें घुमाने। और ये है राधा माधव मंदिर, बिष्णुपुर के जो स्पॉट है टूरिस्ट स्पॉट, तो उसमें बहुत ही खास, सबसे खास मंदिर जो है, और ये है राधा माधव मंदिर। तो चलिए थोड़े बहुत जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। और बिष्णुपुर में छोटे बड़े बहुत ही मंदिर हैं, करीब छोटे बड़े सब मिला के बिष्णुपुर में करीब छोटे बड़े 30 मंदिर हैं, जो मल्ल राजाओं के शासन काल में 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाए गए। पर मज़े की बात यह है कि इन 30 मंदिरों का फैलाव चंद वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित है, इसीलिए इन मंदिरों को आप बड़े आराम से एक ही दिन में देख सकते हैं। मल्ल शासकों ने मंदिरों के अलावा यहाँ पानी सिंचित करने के लिए कई बांध भी बनवाए। बिष्णुपुर के मंदिरों के फैलाव की बात करूं तो ज़्यादातर मंदिर इस छोटे से शहर के पूर्वी और दक्षिण भाग में बिखरे हुए हैं। यहाँ के मुख्य मंदिरों में मदन मोहन, जो कि आप ये जो देख रहे हैं ये है मदन मोहन के मंदिर, तो मदन मोहन मंदिर और राधा विनोद मंदिर है, ऐसे जो बाकी मंदिरों के अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए जब भी आप कोई गाड़ी लेके जरूर ध्यान रखें लेके आए चालक को आप इन मंदिरों तक ले जा रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार एक जैसे दिखते मंदिरों की समूह को ऑटो वाले चुपचाप यहाँ गए बगैर मुसाफिरों को वापस लेकर चले जाते हैं। अपनी वास्तुकला तो देखिए अभी ये हम जो देख रहे हैं ये है राधा माधव मंदिर, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको यहाँ पे दुकान भी मिल जाएंगे, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो आप छोटे मोटे टेराकोटा का सामान ले सकते हैं, और टेराकोटा के लिए विष्णुपुर जो है विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है टेराकोटा का। और ये है मदन मोहन जी, और ये है जोड़ बांग्ला, और ये है जोड़ बांग्ला मंदिर। और जोड़ बांग्ला मंदिर के दक्षिण के लाल बांध से सटे इलाके में कई एक शिखर या एक रत्न मंदिर है। इन मंदिरों में जोड़ समूह के मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, कालाचांद और नंदलाल मंदिर प्रमुख है। जोड़ मंदिर समूह का निर्माण 1726 में गोपाल सिंह के शासन काल में हुआ, वही इनके 3 साल बाद कृष्ण सिंह देव ने राधा गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया। स्थापत्य की दृष्टि से इनमें से कुछ खास भिन्नता नहीं है, सिवाय इनके राधा गोपाल मंदिर के मुख्य मंदिर के अलावा एक बेहद छोटा रथनुमा मंदिर भी है। और बिष्णुपुर एक मंदिर प्रसिद्ध है, आप अगर चाहो, और ये है सामराय मंदिर,
सामराय मंदिर को बिष्णुपुर के सबसे उत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर ईंटों का बना है जिसकी 5 आकर्षक मीनार हैं। इन मीनारों की वजह से इसे पंचरत्न शैली के मंदिरों की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिरों के अंदर और बाहर की दीवारों पर कृष्ण लीला और रामायण के बहुत सारी ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के पैनल फूल और अन्य जातियों की आकृति सुसज्जित किया गया है और उस समय की उत्कृष्ट स्थानीय शिल्पकला का इससे देखने से पता चलता है। ये बंगाली वास्तुकला के मंदिर का कला का शानदार नमूना है। सन 1656 के करीब वीर सिंह ने अपने पिता रघुनाथ सिंह से राजपाट संभाला। उसकी पत्नी शिरोमणि देवी ने भी सन 1665 में 2 मंदिर बनवाए थे। वीर सिंह ने जहां उनके 1698 में लालजी मंदिर बनवाया, वही शिरोमणि देवी ने उनके पहले मुरली मोहन और मदन गोपाल मंदिर बनवाए थे। और अभी हम सब देखिए, बाहर देखा हमारा हो गया मंदिर। और फिर हम यहाँ पे एक अंकल जी थे जो बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे, तो चलिए आपको भी थोड़ा सुना देते हैं। आशे दशे बोली तोरा बंदूर काते तुम्हार मरा रोई से तामार मनमा का डाकू बंद है यार। ठीक ठीक वीर हम्बीर ने अपनी राजधानी में भगवान कृष्ण को समर्पित कई भव्य स्मारक बनवाए थे। सन 1600 में उन्होंने एक बाग में रास मंच बनवाया था जहां लोग जमा होते थे। रास मंच का ढांचा अनोखा है। ये पिरामिड के आकार का है जो ईंट और चट्टान के गलने से बनी मिट्टी से बना हुआ है। इसके चारों तरफ झोपड़ी नुमा कंगूरे हैं। रास मंच के शहरों के बीचों बीच है। रास मंच में 3 घुमावदार गैलरिया है और मुख्य मंदिर के पैनल नक्शानिसदार है। हालांकि ये रास मंच अब प्रयोग में नहीं है, लेकिन सन 1932 तक हर साल अक्टूबर नवंबर में माह में माल्य शासक यहाँ वैष्णव रास महोत्सव बनाते थे। उस समय विष्णुपुर और उसके आसपास के मंदिरों की मूर्तियों को यहाँ लाया जाता था। और यहाँ की जो टेराकोटा की चीजें हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। टेराकोटा एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जली हुई मिट्टी या पकाई हुई मिट्टी। विष्णुपुर टेम्पल की कलाएं देखने योग्य है और विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर विष्णुपुर या लैंड ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ के जो नक्काशी आप देखिएगा, एकदम मन मोह लेने वाला है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध है, जबकि आपको बताई है बालूचोरी साड़ी, यहाँ पे साड़ी बहुत अच्छा मिलता है। और ये टेराकोटा के जितने भी सामान जिसमें आप घर सजाई हुई चीज़ें बहुत ही अच्छा दामों में और बहुत ही अच्छा मिलता है। और हस्तकला के लिए भी विष्णुपुर बहुत ही जाना जाता है। यहाँ पे जो टेराकोटा के बनाई हुई बहुत सारे कैटल, घर सजाने की चीज़ें और मिट्टी के ऑर्नामेंट्स, मतलब मिट्टी के जो अलंकार, वो भी मिलते हैं। तो और बांकुड़ा के जो घोड़ा आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े घोड़ा, इसके लिए ये विख्यात है। मतलब देश भर में लोग यहाँ पे आते हैं और ये सब सामान बहुत आराम से यहाँ से ले जाते हैं। तो चलिए मैं भी अभी थोड़ा आपको मार्केट का दीदार करा देती हूँ कि क्या क्या सामान यहाँ पे मिलते हैं, ताकि आप जब आए यहाँ से ढेर की सारे चीज़ें अपने साथ ले जा सके।
आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो मेरा बिष्णुपुर ब्लॉग है। और अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पुराने दोस्त हैं उनका भी धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।